नमस्कार, आप देख रहे हैं डोंट बी ब्लाइंड इंडिया। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने किया है ट्वीट, 20 जनवरी को जो बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं होंगे शामिल। जी हां, आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को एक ट्वीट करके ऐलान किया है कि वो देश के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होंगे। बाइडेन 20 जनवरी को अमेरिका के अगले राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे, वहीं भारतीय मूल की कमला हैरिस उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी। ट्रंप का यह ट्वीट संकेत देता है कि अमेरिकी संसद में हिंसा और खून खराबे के बाद उन्होंने सत्ता हस्तांतरण को भले ही स्वीकार कर लिया है, लेकिन वो अभी भी चुनाव नतीजों को लेकर विरोध जता रहे हैं। ट्रंप ने आरोप लगाया है कि चुनाव में धांधली हुई है और इसी कारण बाइडेन की जीत हुई है। दरअसल ट्रंप ने बुधवार को ट्वीट करके कहा था कि वो अमेरिकी चुनाव के नतीजों को स्वीकार नहीं करते हैं। उन्होंने अपने समर्थकों से अमेरिकी संसद कैपिटल हिल में इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन करने को कहा था। उस दौरान अमेरिकी कांग्रेस यानी कि संसद में अमेरिकी राष्ट्रपति का निर्णय करने वाले इलेक्टोरल कॉलेज यानी कि निर्वाचक प्रतिनिधि इकट्ठा हुए थे। इस दौरान ट्रंप के समर्थक सांसद परिसर के भीतर घुस गए, तमाम खिड़कियों के शीशे तोड़े गए, पुलिसकर्मियों के साथ उनकी हाथापाई भी हुई। भारी उपद्रव के दौरान कई सारे लोग इस दुनिया को अलविदा बोलकर चले गए। इसके बाद हिंसा भड़काने के आरोप को लेकर फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर ने डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट पर अनिश्चित काल के लिए प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन फाइनली एक बार फिर से इनके सोशल मीडिया अकाउंट तो एक्टिव हो चुके हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप की परेशानी कम नहीं हुई है, और जिस तरह से इन्होंने ट्वीट करके ये कहा है कि वो बाइडेन के समारोह में नहीं जाना चाहते हैं, इससे पता चलता है कि इनके मन में अभी भी कहीं ना कहीं खोट बाकी है। तो यही था इस वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, इसे और लोगों के साथ शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।